सत्संग में विराजमान सभी सत्संगी प्रेमियों को हृदय से आशीर्वाद। आप अपने गृह कार्य को छोड़कर इस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, संत सतगुरु के वचनों को श्रवण करने के लिए। तो जब इस ग्राउंड में आ चुके हैं, इस गेट के अंदर प्रवेश हो गया है, तो शांति से बैठे रहे। जब तक सत्संग चले तब तक उठन बैठन न रखें, क्योंकि जीवन है हमारा ये संत का छड़ और अन्न का कण गरबार नहीं होना चाहिए। संत जहां भी सत्संग देने पहुंचे, जहां भी दर्शन देने पहुंचे, वो आपके लिए बहुत अमूल्य समय होता है। और जहां कहीं भंडारे का प्रसाद भोजन मिल जाए, उसमें एक भी तोला हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपने एक तोला छोड़ दिया, उसका भोग अवश्य भोगना पड़ेगा। कल शाम को एक लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे तो उन्होंने अपने यहाँ सब्जी छोड़वा दी। हमारे कुछ सत्संगी प्रेमियों ने कहा कि प्रसाद पाना पड़ेगा, तो बोले उससे बोले कि जबरदस्ती है क्या? ऐसे लोगों को भोजन नसीब नहीं होता। अभी तो कुछ गरुड़ घमंड में प्रसाद ग्रहण मिल रहा है, बाद में पता लगा कि शायद कोई टेंट टेंट लगाने वाले कोई थे या साउंड वाले, कोई भी हो, डायरेक्ट आप देश के राष्ट्रपति क्यों ना हो, लेकिन अन्य देवता आपको भी बख्शने वाले नहीं है। इसलिए सबसे कहना है कि आप अपने घर पर उतना ही भोजन रखवाएं जितना पा सके, और संत के यहां पहुंच जाएं, सत्संग में पहुंच जाएं, तो फिर व्यर्थ का टाइम बर्बाद ना करें। संत का क्षण छूटना नहीं चाहिए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिनि यज्ञ समान। संत सतगुरु की जब शरण में जाए तो अपने आप को बिल्कुल एक गरीब समझ ले, हम अज्ञानी समझ ले, निर्धन समझ ले, और वहां जाके बैठ जाए। और पहले से धनवान और ज्ञानी अपने को समझा, परमात्मा कहेंगे, मालिक कहेंगे, करिए, तो अपने आप में इसके अहंकार है। इसे ना अब ज्ञान आगे देना है, ना ही धन देना है। इसलिए प्रेमी भाई एवं बहन, आप शांति के साथ जिस स्थान को प्राप्त किया है उसे मुख्य स्थान समझ के बैठे रहे। ये ना देखें कि जमीन पे हमारे नीचे क्या बिछा है, या हम कौन सी जगह बैठे हैं। जिस पे आप बैठ चुके हैं वो बहुत पवित्र है, और संसार में चाहे कितने भी बड़ी गाड़ी में बैठ जाए, हेलीकॉप्टर में चलने वाले, हवेलियों में रहने वाले, डल्लब के गद्दे पे सोने वाले, जब जन्म हुआ था तब भी भूमि पर ही आए थे, और जब यहां से जाएंगे तब भी भूमि पर ही सो जाएंगे। तो ये भूमि में कोई दोष नहीं है। अगर हमारे कर्म ठीक है तो भूमि बहुत पवित्र है। बुरा जो देखन मैं चला और बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। आज जहां सत्संग हो रहा है, ये आश्रम तैयार हो गया, आश्रम की तरह यहां संगत बैठी है, तो यहां भूमि ना पवित्र हुई और ना ही भूमि पहले खराब थी, यहां संगत आ गई, और संगत जब आई तो संगत ने से पवित्र बना दिया। लोग बहुत जगह गंदगी कर देते हैं, विचार रखना चाहिए भैया कि आप अपने घर को कितना साफ रखना चाहते हैं। जितना आप अपने घर को स्वच्छ देखना चाहते हैं, उतना ही हर जगह स्वच्छ देखेंगे, तभी आप मानव हैं, अन्यथा आप तो एक पशु के बराबर है। मनुष्य का कर्तव्य है
कि जहां तक उसकी दृष्टि जाती हो वहां तक हर जगह वो अपने आप को ये समझे कि ये हमारा ही स्थान है और हम इसे पवित्र रखेंगे बनाएंगे। जो मानव उसकी दृष्टि में पड़े, नर हो नारी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, बिटिया हो बेटा हो, वो सब हमारे हैं, हम सब उनके हैं। ये मन में नहीं होना चाहिए कि साहब ये फलाने का बेटा है, ये उसकी बेटी है, इससे हमें क्या लेना देना। मानव की एक जाति है, पशु की एक जाति है। जब हमारी आपकी एक जाति है तो हमें भेदभाव क्यों रखना चाहिए? और जिसने भेदभाव रखा उसे कभी भी भगवान का दीदार दर्शन नहीं हो सका, क्योंकि भगवान ने पहले सत्य उत्रेता द्वापर में ये प्रमाणित करके दे दिया, हम भीलों की बेटी के वे झूठे बेर खाएंगे, कलयुग में लोग देखेंगे कि हाँ अगर मेरी भक्ति शिवरी की तरह कोई बूढ़ी मैया करेगी तो हम उसको भी दर्शन देंगे, हमें उसकी जात से मतलब नहीं होगा। हम प्रहलाद को भी दर्शन देंगे, हम ध्रुव को भी दर्शन देंगे, मीरा छत्राणी की बेटी थी हम उसको भी दर्शन देंगे, लेकिन जब तक उसके अंदर या उसके परिवार के अंदर अहंकार रहेगा तब तक दर्शन देने वाले नहीं। राणा को बहुत अहंकार था लेकिन मीरा नाम ही मीरा था और स्वभाव भी बहुत पवित्र था, तो मीरा को लगा कि इस भूमि पर अगर हम रहेंगे, ये अहंकार की भूमि है, तो हमारे कन्हैया हमें दर्शन देने वाले नहीं। राणा ने कहा हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, बेघर कर देंगे। मीरा ने कहा तुम्हारे ऐसे घर में आग लगे, हमें तो अपना भगवान प्यारा है, हमें अपना भगवान प्यारा है। इस संसार में जितना आपने बनाया है, मकान दुकान खेती खलियान, ये सब फीका है। हमारे सतगुरुदेव भगवान सत्संग की वाणी में सुनाया करते हैं कि इस मनुष्य शरीर में आने के बाद दोनों भय के बीचों बीच में जहां मनुष्य नर के रूप में जहां तिलक लगाते हैं, नारी के रूप में जहां बिंदी लगाई जाती है, जिसने अपने दसवें द्वार को नहीं खोल पाया, जिसने तीसरे नेत्र के द्वारा इस शरीर में आने के बाद उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाया, वो मृत लोक में भी नरक की तरह भोग रहा हो, नरक में तो जाना ही जाना है। लोग कहते हैं हमारे पिताजी मर के स्वर्ग में चले गए, हमारी दादी मर के स्वर्ग में चली गई, बाबा मर के स्वर्ग में चले गए, फलाने मर के स्वर्ग। क्या उन्होंने कोई फोन किया था वहां जाके? क्या कोई चिट्ठी पत्री भेजी कि हम स्वर्ग में आ गए? जिसने जीते जी सतगुरु को बनाने के बाद, गुरु के दीक्षा लेने के बाद पारब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर लिया, उसके लिए यहां भी स्वर्ग बन गया और उसके लिए वहां भी स्वर्ग बन के तैयार हो गया। और जिसने मनुष्य योनि में आने के बाद परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाई तो मृत लोक में भी भोगता रहा और नरक लोक के 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। चार खाने होते हैं, अंडज पिंडज उपज स्थावर, चार खानों में श्रेणियों को बांट दिया गया, कुत्ता बिल्ली बंदर घोड़ा घड़ा आदि बनना पड़ेगा। जितनी भी योनियां हैं, मनुष्य योनि को छोड़ के बाकी सारी भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि एकमात्र केवल कर्म योनि बनाई है, मनुष्य जो चाहता है अपने हाथों के द्वारा वो कर लेता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कर से कर्म करो विदनाना और मन राखो जा कृपा निधाना। इस कर कहते हाथ को, इस हाथ से अनेक प्रकार के काम करो लेकिन मन राखो जा कृपा निधान, मन को मत भटकने दो। बाकी भोगियों में भोग रहे हैं आपके सामने, कोई कुत्ता बन गया, कोई बिल्ली बन गया, कोई बंदर बन गया, कोई घोड़ा बन गया, कोई गधा बन गया, कोई चूहा बन गया, कोई हाथी बन गया, कोई पक्षी बन गया, कोई पेड़ बन गया, कोई पौधे बन गया, ये सब भोग रहे हैं। हमें आपको बड़ी सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है भैया, इस तरह बर्बाद नहीं करनी है।
लोग समय का एक वो देखते हैं। अभी कुछ देर थोड़ी देर के बाद देखना, ज्यादा ज्यादा आधा घंटा लगेगा। और सबसे कमी तो ये साउंड वालों की एक है कि इन्होंने गांव में हॉर्न नहीं पहुंचाए, वहां आवाज नहीं जा रही गांव में। लेकिन हर प्राणी एक स्वार्थी हो गया है। घर से माताएं बच्चे को भेज देती है, कहती देख क्या गुरुजी सी बैठ गए गद्दी पे के नहीं। उन्होंने कहा गुरुजी अभी नहीं बैठे, उनके चेला लोग बोल रहे तो नहीं अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, भक्ति स्वार्थ से करने लगे। और उन्होंने कहा गुरुजी बैठ गए तो उन्होंने कहा चलो अब चलेंगे। अरे भैया संत तुम्हारी प्रतीक्षा ना करे, तुम संत की प्रतीक्षा करो तो भक्ति है। और संत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब आए भक्त आए भक्त, तो क्या मतलब है? घर पर भी कुछ काम नहीं कर रहे यार, घर पर भी नौके तेरह तेरह के नौ, नौके तेरह तेरह के नौ उसी में लगे पड़े। सुबह को रुपए गिनते हैं तो तेरह हो जाते हैं, फिर शाम को नौ रह जाते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह गिनते फिर तेरह हो जाते हैं, फिर वो नौ रह जाते हैं। मतलब एक साल के बाद देखा कि ये हमारी उखाड़ी खड़ी हुई है, गन्ना की खेती कराई है 40 बीघा, आने वाले समय पर तो हम आराम से पैसे वाले हो जाएंगे। लेकिन जब तक गन्ना की खेती की बिक्री हुई जैसे पहले थे वैसे फिर के फिर रह गए। घर में पता लगा 1 लाख रुपए आया, आंखें बंद की रात को सो गए, प्रातः काल उठे और उठ नहीं पाए तब तक पत्नी ने कहा कि बेटा के बहुत तेज दर्द हो रहा है, चलिए यहां से लखनऊ ले चलते हैं। लखनऊ के लिए पहुंचाया तो वहां डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंख नष्ट हो जाएगी, नहीं तो इसका ऑपरेशन करा दो। जो 1 लाख रुपए का गन्ना बिका था वो पैसा साथ में गया था, वो डॉक्टर ने तुरंत ले लिया पैसा ऑपरेशन करने का। रात को 9 के 13 रुपए हुए थे और सुबह फिर 9 रह गए। फिर कोशिश की चलो अब की बार 40 बीघा की जगह 80 बीघा गन्ना बोवा देते हैं, 80 बीघा गन्ना बोवा दिया। प्रेम प्राधाम सरकार से चलकर महाराज जी आने का सत्संग क्या सुने, गन्ना की छिलाई कर ले, अभी रेट अच्छा बिक रहा है, पर्ची मिल जाएगी, टाइम से चला जाएगा, गेहूं तो भी हो जाएगा। जब तक उसकी कृपा नहीं लोगे तब तक कुछ करने वाले कितनी भी ताकत लगाए हम कुछ भी करें, जापे कृपा हरि की होई, बापे कृपा करे सब कोई, और जापे कृपा राम की ना होई, बापे कृपा करे ना। जिस पर एक बार भगवान की संत सतगुरु की दया हो गई भैया, वो दुनिया की नजर में तो निर्धन हो सकता है लेकिन उसके पास भक्ति रूपी बहुत बड़ा धन है, भक्ति रूपी बहुत बड़ा धन है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन में रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी प्रेम प्राधाम सरकार के दास। जो वहां जुड़ गया वो सुखी है। और इस गांव से छैलिया से या दूसरे गांव से जो भी आश्रम से कांटेक्ट में है, मैं उस व्यक्ति की गारंटी लेता हूं कि पूरा क्षेत्र उसके पीछे पड़ जाए, कोई भी उसका बाल बाका करने वाला नहीं। जाती कृपा वहां की हो जाती, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पैर फेंकते रहोगे ज्यादा ज्यादा लोहा की तरह गर्म हो गए, बाद में हथौड़ा पड़ेगा, अपने आप चक के चले जाओगे। हथौड़ा की चोट बहुत हैवी होती है साहब। भगवान की नजरों में अच्छे बन के रहेंगे तो हमें सर्व सुख मिलेगा। हमें एकांत में बैठे हमारे अंदर भजन चलना चाहिए, हमारे नेत्र भजन पर होने चाहिए। कुछ ऐसा आज सुबह में उठा तो एक बालक हो गए हमारे क्षेत्र जमलापुर गए, वो भैया बाथरूम में वो शौचालय में से निकल गया तो ब्लूटूथ कान में लगा और फोन जेब में डाले। मैं धक से रह गया, मैंने कहा लाला तू क्या कर रहा है, मैंने कहा तो ये छोड़ेंगे नहीं, आज माइक से बोलेंगे इस बात को। और वो बात मुझे सतगुरुदेव भगवान की ऐसी दया है कि एक बात जो टच कर ले और अपने उसमें पहुंचा दे। हमारे पास एक कुंडली है छोटी सी, कोठरी बना रखी हमने घट में, तो उसमें डाल देते हैं बात को, फिर वो भूलते नहीं हम कभी। अब जो जो बालक शौचालय में गया हो प्रातः काल फ्रेश होने के लिए
और वो कान में लीड लगा के सब जेब में फोन डाल के बताइए लेटरिन करने जा रहा है। ये संस्कृति बढ़ गई है हमारे यहाँ, ये संस्कृति है। क्यों? उन्हें ये लगता है कि हम कुछ हैं। भैया माँ बाप के संस्कार जो है वो माँ बाप के संस्कार लो। आप अपने पिता को पूछिए आप कितना संघर्ष करके तुम्हें यहां तक पाल के बड़ा किया है, तुमने उनको बदले में क्या दिया? पिता को पैसे बदले में नहीं चाहिए, पिता कभी पैसे का भूखा नहीं होता ना। पिता ये सोच के पैसा खर्च करता कि हमारा बेटा हमारा वापस करेगा, कभी करता है? बोलो अपने बच्चे को पालता है पिता तो ये सोच के करता है कि हमारा बेटा हमें पैसा देगा? नहीं, केवल इस सोच में कि आने वाले समय में हमारा बेटा हमारा नाम करेगा, हम जहां भी बैठेंगे वहां हमारी इज्जत बढ़ेगी। अपनी इज्जत के लिए अपने बच्चे के साथ लाखों रुपए, पैसा हो या ना हो बेचारा, कर्ज लेके दूसरे से लेके खर्च कर देगा। हमने बदले में उस पिता को क्या दिया जो पिता ने दिन रात घर छोड़ के, इस बालक की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं के पिताजी, हम पूरे परिवार को जानते हैं, 5 किलोमीटर मास्टर साहब के गांव के, इनके पिताजी घर पर 2 दिन नहीं रुक पाते हैं, आज भी जॉब कर रहे हैं। इन श्रीमान जी को पूछिए, रुपए को रुपए नहीं समझते होंगे ना, एक ब्लूटूथ खराब हुआ दूसरा तुरंत, और पिता पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन कभी ये भी सोचा कि एक बार अपने पिताजी के लिए एक जोड़ी कपड़े बनवा के देखें, अपने खुद की एक मेहनत, एक दिन मजदूरी करेंगे, पूरे दिन कुछ खेत में काम करेंगे, कहीं भी मजदूरी करेंगे, और एक बार एक जोड़ी पिताजी के कपड़े बनवाएंगे, तब मुझे एहसास होगा कि मुझ पर कितनी मेहनत पड़ी एक जोड़ी कपड़े बनवाने में। पिताजी ने तो मुझे इतना बड़ा कर दिया पाल के, क्योंकि ये संस्कृति नहीं सीखी हमने, ये ज्ञान नहीं हमने लिया, हमने संगति ऐसी कर रखी है। और जब हम संगत अगर अच्छी कर लेते तो हमारा विचार बदल जाता। और तो और इस गांव में एक और हमने देखा साहब कि माता रसोई में चप्पल पहन घुस जाती है। माताएं, हमने पूछा तो बताया कि गुरु जी हमारे यहाँ का तो नियम है ये कि रसोई में लक्ष्मी मैया भोग नहीं लगाती जब तक चप्पल पहन के ना घुसे। हमने पूछा चप्पल पहन के क्यों, तो कहा हमारे यहाँ लक्ष्मी मैया है बहुत वैसी है। हमने कहा क्यों, वो ये कहती है भोग ही नहीं लगाएंगे जब तक चप्पल पहन के नहीं आओगी। ये क्या है? ये केवल संत सदगुरु को ना बुलाने का कारण है, संतों को ना आने का कारण है। अगर हम बीच बीच में सत्संग थोड़ा सरवण करते रहते हमारे विचार बदलते रहते। हमने सिर्फ यही जाना कि आने वाले समय पर हमारा गन्ना छिल जाएगा, आराम से लगा देंगे कांटे पर, पैसा मिल जाएगा, बच्चों को पाल देंगे, पढ़ा देंगे। बाकी ये नहीं सीखा हमने कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी कुछ लेना है। आज एक लोग हमसे कह रहे हैं, गुरु जी आप शराब की बात करते हैं, शाकाहारी बताते हैं, शराब तो शाकाहारी में आती है। हमने कहा क्यों, हम नाम तो उनका नहीं लेंगे। हमने कहा क्यों, तो श्रीमान जी बोले कि वो तो रस की बनती है। मैं उन सब लोगों से बात करूंगा, भैया नशा ये नाश कर देगा, नशा ये नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा न कोई देगा खाने को। मेरी आपसे विनती है, मैं ये प्रवचन यहाँ नहीं करने पहले भी आ चुका हूं उसी भूमि पर एक बार, आपको पहले भी मालूम होगा कि मैं इस क्षेत्र में और कहीं भी, मैं जहां भी सत्संग करने गया आज तक मैंने किसी से भी कोई डिमांड नहीं, मैं तो ये कहता हूँ भैया गाड़ी वाड़ी जल डलवाओ, आराम सत्संग कराओ। इस क्षेत्र से कुछ लूटने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरा एक कर्तव्य है संत होने के नाते। मैं अकेला लेटा कहीं भी तो मेरे मन में केवल सत्संग चलता रहता है कि आने वाले कल समय में हम क्या बोलना है। और कहीं मन मेरा अगर मालूम पड़ा कि हमारा मन फलानी जगह भागना चाह रहा, तुरंत अपना फोन हम उठाएंगे और अपने सतगुरु की वाणी उसमें चालू कर लेंगे और कान से रख लेंगे,
देखे कैसे भागेगा तू। मन के बाप हमारे पास बैठे बगल में, हम वहां लगा लेंगे ना अपना मन। अभी एक बच्चे से हमने पूछा, हमने कहा तुम हमारे पास दो घंटे से आई नहीं कमरे में। कह रहे गुरु जी हम तीन बार आए लेकिन आप सत्संग सुन रहे थे गुरु जी का, तो हमने बीच में टोका नहीं। तो हमने कहा इसका मतलब तुम आए थे। और इन लोगों का फोन देखो तो ये चलाते हैं उलाला उलाला है। इनके फोन में पता कितने पेटेंट पड़े होंगे साहब, कितने कोड पड़े होंगे, ये फोन नहीं दे सकते। रात को 12-12 बजे तक फिल्म देखते रहेंगे साहब। नई नई बहुएं यहाँ बैठी होंगी, अपने घर में टेलीविजन लगा होगा, एलसीडी लगी होगी, एलईडी लगी होगी, और ये क्या देखती पता है? सीरियल, जिसको नाटक बोलते हैं। वो नाटक देख देख के इनके घर में खुद नाटक होने लगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा सीरियल आंखों से देखोगे वैसा ही आपके घर में होगा। ऐसा वो नाटक देखा कि वो नाटक देखने के बाद भैया घर में खुद का नाटक होने लगा। वो खुद का नाटक होने लगा कि सास ऐसे लड़ रही है, बहू ऐसे कह रही, तब तक देवर आ गया, उसने ये कर दिया। वो हमारे दिमाग में रील चलती रही, और जैसे ही हमारा खुद का देवर आया तो हमने वो रील उस पर चला दिया। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने अपने घरों में रामायण देखें, गीता के कुछ ऐसे संदेश देखें, भागवत सुने, या संत सतगुरु किसी का भी, कोई भी संत महापुरुष हो उनका सत्संग सुने। आने वाले समय पर ऐसी पीढ़ी ये बिगड़ जाएगी कि आपको ही भूल जाएगी, आपकी पहचान भूल जाएगी। अभी कुछ समय पहले 2 अगस्त को परम पूजनीय हमारे पिता श्री ब्रह्मलीन हो गए। हमने अपने पिताजी से सिर्फ पिताजी कहा, ये सारे लोग और हमने ही नहीं, हमारी संगत भी पिताजी कहती है, क्योंकि उनको लगा कि गुरुजी पिताजी कहते हैं। कुछ लोग अपने घर में पापा बोलते, पापा, और अब तो पापा के बाद फिर कहने लगे डैडी, और अब तो डैड। और डैड माने क्या होता है? डैड माने क्या होता है? अरे कुछ ऐसे पढ़े लिखे बच्चे होंगे, डैड माने मरा हुआ। देखो हमारे कन्या ने बताया मरा हुआ होता है, तो बाप को क्या बोला? मरे हुए बाप। इसका मतलब तुम्हारी मम्मी के दो बाप है क्या, दो पति? अरे मैं तो खुल के कहता हूँ, एक बाप मरा हुआ तो जिंदा फिर कौन सा बाप है? ये कहाँ की संस्कृति है? ये हमने अपने बच्चों को चेक नहीं किया। हमारे बच्चे पढ़ के आए, जैसा रख दिया लाके अपना उन्होंने बस्ता वैसा ही रखा रहा, फिर दूसरे दिन लेके चले गए। हमारे बच्चे क्या मोबाइल में चला रहे हैं? हम क्योंकि बिटिया मोबाइल अलग चला रही है, मम्मी खुद अलग चला रही है। बिटिया नीचे हेलो हाय कर रही है तो मम्मी छत पे कर रही है साहब। मम्मी बिटिया के सामने कह रही है अपने पति से हेलो बेबी कहाँ हो। अब बेबी माने बच्चा, अपने पति से कह रही है बेबी, बी ए वी वाई, बेबी माने। तो पत्नी अपने पति को कह रही बेबी, तो उसने तो पहले ही बच्चा बना दिया तुम्हें। ये केवल संतों की संगत ना होने का कारण है। इनके दिमाग में, इनकी खोपड़ी में, इनके कानों में जब संतों के प्रवचन जाएंगे तभी सुधार हो सकता भैया। ना समय वो आ जाएगा कि एक दिन खुद पत्नियों के लोग पति पैर छुएंगे, ना आ जाए तो ऐसे कहना। और अभी भी कुछ लोग शराब पीते ना, तो शाम को जब पौआ के नशा में ज्यादा होते हैं तो रात को तो वो आपको पता है कितने बड़े पैसे वाले धनवान सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन सुबह वो जब जाते हैं उनके पास पैसे तो होते नहीं, तब वो पैर छूते जाए कहते 100 रुपए देते। आज बहुत भड़क मची है पौआ के, 100 रुपए 100 रुपए। ना मानो तो ऐसा देखना शराब पियो क्या ऐसा हो रहा है। सीता जी से महाराज दशरथ ने कहा, हे सीता तुम मेरी बहू भी नहीं हो, बेटी किस तरह हो? मेरी कोई बेटी तो नहीं है, तुम बड़ी हो घर में, तुम्हें कहीं बाहर जाना हो तो मुझे बता देना, हम तुम्हें यात्रा करा देंगे।
जैसे ही प्रवेश किया उसी दिन की बात, तो सीता जी ने बहुत सुंदर एक बात कही। किनसे? रिश्ते में ससुर जो लगते थे, कहा पिताजी मेरी माता जी ने चलते समय एक बात बताई है। कि क्या? कि सास ससुर गुरुपति पूजा, इससे बड़ा धर्म नहीं दूजा। सास और ससुर, गुरु और पति की पूजा, इससे बड़ा धर्म नहीं दूजा। अगर पहले हम इन चारों की पूजा कर लें तो बाहर तीर्थ करने के लायक हमें है, और अगर इनकी पूजा नहीं कर पाई तो बाहर तीर्थ करने से कोई लाभ होने वाला नहीं, कोई लाभ होने वाला। वो संस्कृति सीता जी के सामने रखी गई, मैया सुनैना ने चलते समय सिखाई सीता जी की माँ ने। जिस समय सीता जी अयोध्या के लिए प्रवेश जनकपुरी से कर रही, तो उन्होंने सिखाया, माँ सुनैना ने कहा कि सीता तुम जाते रहिए, तुम्हें मर्यादा निभानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पति मर्यादा पुरुष है, उनको मर्यादा पुरुष कहा जाता है राम को। आज की मर्यादा है साहब, आज की तो माता जी अपनी बिटिया को विदा करती तो कहती है बेटी चिंता मत करियो, तो सास कछु कहे तुरंत फोन कर दिए थे भैया तुरंत भेज देंगे, बिल्कुल परेशान मत हो, ये गबड़ाइए बिल्कुल मत, ये सीख दे के भेजा जाता है। जो माताएं अपनी बेटी को इतना बड़प्पन दे के भेजेंगी, वो बेटी ससुराल में कभी सुखी रहने वाली नहीं। और जिस बेटी को श्रष्टाचार सिखाया जाएगा, वो बेटी कभी भी दुखे होने वाली नहीं, क्योंकि उस बेटी को मालूम है। अभी उस दिन इससे पहले हमारा सत्संग चल रहा था, तो वहां एक लड़का अपनी बहू की थोड़ी शिकायत लेके आया, वो बहू पे